हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारा टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक हमने पढ़ लिया था। आज हम शुरू करते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और बात की जाए एजियोट्रोपिक मिक्सचर की, तो ये क्या होते हैं? दोज सॉल्यूशन होज कंपोजिशन रिमेन सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन। एट कॉन्स्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर तो उन्हें क्या बोला जाता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर, जिनमें क्या है कि उनकी कंपोजिशन सेम रहे। किसमें? वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में भी। थ्रू आउट द सॉल्यूशन का मतलब है वेपर फेज एज वेल एज लिक्विड फेज। तो उन्हें क्या बोल देंगे? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बात की जाए एजियोट्रोपिक मिक्सचर की, इनके दो टाइप होते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिक्सचर, लाइक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिक्सचर्स। ये क्या होते हैं? विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। और ये क्या हो जाएंगे? विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। अगर एग्जांपल की बात की जाए, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन कल हमने पढ़ा था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन किसमें आएंगी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, और नेगेटिव डेविएशन भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो कल हमने बात की थी कि पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा और नेगेटिव डेविएशन कब शो करेगा। पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन कब शो कर सकता है? पी टोटल विल बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। जब टोटल प्रेशर ज्यादा हो जाए किससे? पी ए प्लस पी बी से, तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव डेविएशन। और टोटल वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएंगे? डिक्रीज। वेन ए ए जब ए ए के इंटरेक्शंस और बी बी के इंटरेक्शंस कम हो जाए, ज्यादा होंगे किससे? ए ए बी बी, बी ए बी के इंटरेक्शन से। तो ए बी के जो इंटरेक्शंस बने हैं वो क्या हो गए? कम हो गए। किससे? ए ए और बी बी के। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर गया? डिक्रीज। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गए तो इनका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? इंक्रीज। और अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज। तो इन्हें बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, जो क्या शो करते हैं? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। और ये क्या करेंगे? लार्ज नेगेटिव डेविएशन। कल हमने बात की थी नेगेटिव डेविएशन कब होगा? जब ए बी के इंटरेक्शन क्या कर जाएंगे? इंक्रीज। यानी कि पी टोटल विल बी लेस देन
पी ए प्लस पी बी, और बात की जाए ए ए के इंट्रैक्शंस या फिर बी बी के इंट्रैक्शंस जो हैं वो कम हो जाए कंपैरेटिवली टू ए और बी के इंट्रैक्शंस के, अगर ए बी के इंट्रैक्शंस क्या कर गए इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर गया इंक्रीज, दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो उनका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा डिक्रीज, तो बस सो वेपर प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। एक तरफ बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अगर एग्जांपल की बात करें इनके एग्जांपल क्या होंगे, अगर एग्जांपल की बात की जाए जैसे मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल में भी क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनमें भी क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब इनका क्या बन जाएगा मिक्सचर, तो इनके मिक्सचर से क्या होगा जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या कर जाएगी डिक्रीज, मिक्सचर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर गई डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, तो इनके वेपर प्रेशर क्या कर जाएंगे इंक्रीज, वेपर प्रेशर इंक्रीज। और अगर बात की जाए नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, नेगेटिव डेविएशन की, नेगेटिव डेविएशन, और अगर नेगेटिव डेविएशन को और क्या बोल सकते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो ये हो जाएंगे। अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात करें ये कब होगा जब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन के अगर एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, तो इनके इनका एक क्या बन जाएगा मिक्सचर, मिक्सचर में देखा गया इनके बीच में क्या हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें क्या पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगी इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज, तो इन्हें क्या बोल देते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या फिर नेगेटिव डेविएशन। तो हमने अभी इनके एग्जांपल्स की बात कर ली, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम एजियोट्रॉप मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन था कैन वी सेपरेट आउट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आंसर क्या हो जाएगा नो वी कैन नॉट सेपरेट सेपरेट देम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिकॉज दे हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन as that is in vapor phase
एज वेल एज लिक्विड फेज। तो इसलिए हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को किसी सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा खत्म हो गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब हम बात करेंगे किसकी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो शुरू करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इनमें क्या जाएगा, ये क्या होती है, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल जैसे एटम, आयन, मॉलिक्यूल, नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो डेफिनेशन क्या बन गई, ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे कि एटम भी हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें चार तरह की प्रॉपर्टी पढ़नी है। सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर बात की जाए, जैसे कि टर्म से पता चल रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर इसकी बात की जाए इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास क्या है, एक प्योर सॉल्यूशन है, इसके अंदर कोई लिक्विड है, लिक्विड के क्या रहे होंगे वेपर, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कहां पे आ जाएंगे, सरफेस ऑफ लिक्विड पे। तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, इसके वेपर उड़ जाएंगे, ये वेपर क्या कर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, और ये वेपर हो जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। ये कब था, जब ये क्या था, प्योर लिक्विड। अगर प्योर लिक्विड है तो लिक्विड के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होंगे, सरफेस पे। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, और वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ऐसे केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हाई। और अगर इसमें हम क्या डाल दें, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सबसे पहले बात करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या है। अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात की जाए, Which does not want to vaporize, which does not want to vaporize, और बात की जाए ऐसे सॉल्यूशन की, जब हमने प्योर लिक्विड में क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब ये प्योर लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी क्या होंगे, सरफेस पे। मान लो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, अब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूट के भी क्या रहे होंगे, मॉलिक्यूल रहे होंगे, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। ये किसके मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की बात की जाए तो वो क्या है, विच डज नॉट वॉन्ट टू वेपराइज, ये क्या नहीं करना चाहते, वेपराइज नहीं करना चाहते। अगर ये लिक्विड के सरफेस पे आ जाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि पहले अगर लिक्विड के 10 मॉलिक्यूल सरफेस पे आ रहे थे तो 10 के 10 मॉलिक्यूल क्या हो रहे थे, वेपराइज, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा था। बट अब कुछ मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के भी किस पे आ गए हैं,
सरफेस पे, अगर कुछ नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट के पार्टिकल सरफेस पे होंगे तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज। या फिर अगर सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल थे तो पहले वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन था 10 के 10 मॉलिक्यूल का, बट अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आने के बाद कुछ बोले नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट सरफेस पे प्रेजेंट होंगे तो जो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो उतने अब कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो ये हमने बात कर ली कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ कैसे। अब बात करते हैं फॉर्मूले की, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की इक्वेशन की। अगर मान लो कोई कॉम्पोनेंट है ए, हमारा लिक्विड है ए, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट ऑफ ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू में एक्स ए। अब पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पी नॉट ए क्या होगा, अगर पी नॉट ए की बात की जाए, प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। अब अगर हमारे पास लिक्विड ए था जो क्या था, प्योर सॉल्यूशन, ये था प्योर सॉल्यूशन। अब इसमें, अब हमने इसमें क्या इंट्रोड्यूस करा दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हम इसमें क्या डाल दे रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब क्या हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के भी होंगे, अब इसकी वजह से क्या कर जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज ड्यू टू नॉन वोलेटाइल नेचर। ठीक है, और प्रेशर डिक्रीज कर गया तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, जो पी ए इक्वल पी नॉट ऑफ ए एक्स ए, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, और एक्स भी क्या है, अगर बात की जाए टोटल मोल फ्रैक्शन की, मान ली सॉल्यूट को नाम दे देते हैं बी, तो टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, टोटल मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी इक्वल टू वन, तो एक्स ए क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स बी। अब एक्स बी क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक्स बी क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो अब हम एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स बी, तो यहां लिख देते हैं वन माइनस एक्स बी। आगे देखते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू में एक्स ए था, ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, एक्स ए था हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ये था हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इसकी जगह क्या, एक्स ए की जगह हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू में वन माइनस एक्स ए। आ जाएगा वन माइनस एक्स बी। अब एक्स बी क्या है, यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस
पी नॉट ए इंटू में एक्स बी, पी नॉट ए इंटू में एक्स बी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन। तो अगर और सॉल्व किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स बी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय में पी नॉट ऑफ ए। ये हमारे क्या आ गए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसकी इक्वेशन आ गई है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन पे क्या पूछा जा सकता है आपसे, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल किस तरह का होगा, अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए न्यूमेरिकल हो सकता है 10 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एडेड टू अ प्योर सॉल्यूशन ऑफ वाटर हैविंग वेपर प्रेशर 31.34 mm ऑफ Hg, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 32.00 mm ऑफ Hg। प्योर सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। वो कह रहा है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बी, यहां कर लेते हैं 200 ग्राम। तो अगर बात की जाए कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारा पीछे फॉर्मूला क्या आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 10 ग्राम, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय इसका मोलर मास जो हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ पी डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 10 बाय डब्ल्यू बी प्लस सॉल्वेंट है हमारा वाटर, वाटर का गिवन मास 200 डिवाइड बाय में मोलर मास 18 विल बी इक्वल टू पी नॉट ए यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना है 32 माइनस 31.34 डिवाइड बाय में 32। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ठीक है। अगर यहां से हम कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा जो हमारे सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कंपैरिजन में क्या होंगे, कम रहे होंगे, नेग्लिजिबल, हम उसे क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर क्या है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट किस में होता है एक्सेस अमाउंट में। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या रहे होंगे, बहुत ही कम। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट की बात की जाए नंबर ऑफ मोल्स वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा कम होंगे किससे, सॉल्वेंट से। तो इन्हें क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 बाय मोलर मास ऑफ बी इंटू में 18 बाय में 200 विल बी इक्वल टू 0.66 डिवाइड बाय में 32। यह आ जाएगा 32। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 18 टू 32 बाय में 0.66 इंटू 200 विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं,
आगे वाला टॉपिक देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर बात की जाए दो तरह के सॉल्यूशन की, एक तो हमारे पास प्योर प्रेजेंट है और किसमें है, इम्प्योर में। अगर बात की जाए प्योर और इम्प्योर की, तो पहले लेते हैं प्योर वाला केस। अगर प्योर केस की बात करें, एक ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या है, प्योर लिक्विड। यह है हमारा प्योर लिक्विड। अगर ये प्योर लिक्विड है तो इस सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल होंगे जो, वो कहाँ होंगे, सरफेस ऑफ लिक्विड पे। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे होंगे, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। वेपर प्रेशर विल बी मोर। अगर क्या है प्योर, अगर ये प्योर फॉर्म है तो सारे लिक्विड सरफेस पे प्रेजेंट है। अगर सारे सरफेस पे प्रेजेंट है तो वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा। उस टाइम पे क्या होगा, इसके वेपर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपराइज करेंगे। जो इसके मॉलिक्यूल होंगे, मोर विल बी वेपराइजेशन। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा क्या बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं। तो इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा, या फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर, बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर, बॉइलिंग पॉइंट लोअर क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में बदल रहे हैं। अगर ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में बदल रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या रहा होगा, लोअर। बॉइलिंग पॉइंट लोअर होने का मतलब है कि हमें क्या है कि अगर कम हीट देंगे तो कम हीट में भी उसका जो मॉलिक्यूल है वो वेपर में बदल जाएंगे। बट अगर बात की जाए, जब हम इसमें ऐड कर देते हैं व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडिड, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडिड, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात की जाए, मान लो ये सोल्यूशन है, ये पहले प्योर था, अब हम इसमें क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। तो आप जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट थे उतने नहीं हो पाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल किसके आ जाएंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के। अब क्या होगा, नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल के आने से क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज। अब जो ये लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल इजिली क्या नहीं बना पाएंगे, वेपर नहीं बना पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। हीट क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। हीट ज्यादा करने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया, इंक्रीज। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया, इंक्रीज, यानी कि उसमें क्या आ गया, एलिवेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड टू ए प्योर सोल्यूशन ऑफ लिक्विड, इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और बात की जाए इक्वेशन की, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाती है ई भी हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन। टीबी नॉट हमारा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम। ये होता है प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा टी बी माइनस टी बी नॉट विल बी इक्वल टू के बी इंटू में एम। तो यहाँ पे एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और टी बी नॉट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, फिर 373.15 केल्विन। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, टी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। मोलैलिटी क्या होती है, ये होती है के बी इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई में मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। और मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास टू में मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, इसमें लेना होता है के जी में। अगर ग्राम में गिवन है तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्यूशन, यहां से आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली, हमारी एलिवेशन एट बॉइलिंग पॉइंट की। अगर बात की जाए क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट इफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो कैसा होता है नेचर में, नॉन वोलेटाइल, एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर boiling point of pure water हंड्रेड डिग्री सेल्सियस। और जिसका इसके कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, जो पीछे कॉन्स्टेंट आया था इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है केबी को, केबी को बोला जाता है एलिवेशन बॉइलिंग कॉन्स्टेंट। इसको बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। और के बी दे रखा है 0.52। तो कैसे निकालें, टी बी माइनस टी बी नॉट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373.15 केल्विन। के बी है 0.52 इंटू में गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 10 बाय में मोलर मास। ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, ये हो जाता है 84 प्लस 96 180 ग्राम पर मोल। यहाँ जाएगा 180 इंटू में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास है 100, इसमें लेना है केजी में, तो 1000 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा इन केजी। तो यहाँ से टीबी आ जाएगा 1070.52 बाय इंटू में 10 बाई 18, वहां जाके ये प्लस हो जाएगा 373.15, ये किस में आ गया, केल्विन में। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद इस चैप्टर में दो ही प्रॉपर्टी बची हैं, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।